दोस्तों, मैं जितेन वर्मा और आप देख रहे हैं सीधी लाइव। आज जोबत में स्मार्ट मीटर की हुई शुरुआत। आइए जानते हैं इस मीटर से उपभोक्ताओं को क्या होगा फायदा। विद्युत विभाग द्वारा अलीराजपुर जिले के जोबट से स्मार्ट मीटर लगाने का शुभारंभ किया गया। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जोबट नगर में एक मकान में किस प्रकार से विद्युत विभाग के कर्मचारी नया स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, तो वहीं अधिकारी बकायदा जिले के इस पहले मीटर की पूजा करते नजर आ रहे हैं। इस नए स्मार्ट मीटर से उपभोक्ताओं को कई प्रकार के लाभ बताए जा रहे हैं। मीटर रीडिंग में पारदर्शिता तो पोर्टल के माध्यम से प्रतिदिन साप्ताहिक एवं मासिक रीडिंग उपभोक्ता द्वारा मोबाइल ऐप के माध्यम से देखी जा सकेगी। इस स्मार्ट मीटर में पोस्टपेड एवं प्रीपेड दोनों मोड की सुविधाओं के साथ भविष्य में कई प्रकार से उपभोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होगा। जिले के जोबट में स्मार्ट मीटर के शुभारंभ मौके पर कार्यपालन यंत्री पुरुषोत्तम बैरागी, जोबट सहायक यंत्री वीरेंद्र सोलंकी सहित कई विभागीय कर्मचारी मौजूद थे। स्मार्ट मीटर को लेकर क्या कहा कार्यपालन यंत्री ने, सुनिए। आज जोबट में हम स्मार्ट मीटर लगाने की शुरुआत हो रही है। आज अलीराजपुर जिले का पहला स्मार्ट मीटर, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है लगाया जा रहा है। और अभी टेस्ट फेज में जो है जिले में अलीराजपुर और जोबट शहर का चयन किया गया है, जहाँ पर की 100% उपभोक्ताओं के स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। स्मार्ट मीटर लगाने के जो है उपभोक्ताओं को कई फायदे हैं, जैसे कि रीडिंग प्रक्रिया में मानवीय हस्तक्षेप पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। डायरेक्ट ऑनलाइन रीडिंग मीटर के थ्रू हमारे सिस्टम में आएगी, जिससे कि बिल में त्रुटियों का 100% निराकरण हो पाएगा। सर, प्रतिदिन कितना मीटर लगाने का लक्ष्य? इसमें अभी जो है हमारा लक्ष्य है कि करीब पर डे हम 150 से 200 मीटर लगाएंगे, और एक माह में हमारी कोशिश रहेगी कि हम जो है वो पूरा टास्क यहाँ पे कंप्लीट करें। सर, क्या सुविधा है इसमें? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मानवीय हस्तक्षेप रीडिंग प्रक्रिया से पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। मीटर से डायरेक्ट ऑनलाइन रीडिंग हमारे सर्वर में आएगी, जिससे कि रीडिंग की सभी त्रुटियों का निराकरण हो जाएगा। मीटर रीडर द्वारा रीडिंग में की जाने वाली गलतियों की संभावना इसमें पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। इसके अलावा उपभोक्ता को एक फायदा यह भी है कि वे प्रतिदिन अपनी दैनिक खपत मोबाइल ऐप, हमारी कंपनी की एक मोबाइल एप्लीकेशन है ऊर्जा नाम से, जो कि प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। उस एप्लीकेशन के थ्रू सभी उपभोक्ता अपनी प्रतिदिन की, प्रति माह की, इवन हर घंटे की मोबाइल विद्युत खपत के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सर, मीटर लगाने का कोई चार्ज लिया जाए? नहीं, ये पूरी तरीके से निःशुल्क प्रक्रिया है। कंपनी द्वारा अपने खर्च पर मीटर बदले जा रहे हैं। सर, ये जैसे आप मीटर लगाया तो नगर और ग्रामीण में क्या, नगर में इसकी शुरुआत की है, ग्रामीण से होगी शुरुआत? अभी केवल जोबट और अलीराजपुर शहर में मीटर लगाए जाएंगे। यहाँ फिर सक्सेस होने के बाद में ग्रामीण क्षेत्रों में ये कार्य चालू किया जाएगा। पुरुषोत्तम बैरागी, कार्यपालन। स्मार्ट मीटर लगने से बिजली उपभोक्ताओं को कई प्रकार के लाभ नजर आ रहे हैं, तो स्मार्ट मीटर के स्मार्ट उपभोक्ताओं को भी कई प्रकार की छूट व सुविधा भी मिलने की संभावना है। इसी प्रकार की खबरों के लिए बने रहिए सीबी लाइव के लिए। जोबट से जितेंद्र वर्मा की रिपोर्ट।